हेलो बच्चों, आज अपन कक्षा 12वीं में अर्थशास्त्र पढ़ेंगे। मैं दीप्ति शर्मा आपको आज उत्पादन की अवधारणाएं पढ़ाऊंगी, है ना। इसके पहले आपने उत्पादन और उत्पादन फलन पढ़ा, स्थिर लागतें पढ़ा, है ना। आज अपन पढ़ेंगे उत्पादन की अवधारणाएं। एक निश्चित समय में उपस्थित वस्तु की मात्रा में उत्पादन अथवा उत्पादन उत्पादक कहते हैं। उत्पाद की तीन अवधारणाएं होती हैं, तो पहला है कुल उत्पादन। उत्पादन के विभिन्न साधनों को एक निश्चित समय अवधि में प्रयोग करने में उत्पादन प्राप्त होता है, जिसे कुल उत्पादन कहा जाता है। अल्पकाल में कुल उत्पादन उत्पाद परिवर्तन की साधन की मात्रा में वृद्धि किए जाने पर बढ़ता है। तो इस सूत्र द्वारा ज्ञात करेंगे कुल उत्पाद कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो TP बराबर कुल उत्पादन और MP बराबर सीमांत उत्पादन योग, और N होता है बेटा साधन की इकाई। तो इस सूत्र के द्वारा कुल उत्पादन परिवर्तन के साधन की मात्रा में परिवर्तन कर फलन अथवा परिणाम होता है। दूसरा है औसत उत्पाद। अल्पकाल में परिवर्तनशील साधनों की प्रति इकाई उत्पादन को औसत उत्पादन कहते हैं। इससे ज्ञात करने के लिए उत्पादन की मात्रा को परिवर्तन साधन की मात्रा में भाग दिया जाता है। तो AP बराबर TP/N। तो AP क्या है बेटा? औसत उत्पाद। और TP क्या है बेटा? कुल उत्पाद। और N है जो परिवर्तनशील साधनों की इकाई। फिर तीसरा है सीमांत उत्पादन। तो उत्पाद कितने प्रकार के होते हैं? तीन। तो ये तीसरा है सीमांत उत्पाद। उत्पत्ति के अन्य साधनों को स्थिर रखकर परिवर्तनशील साधनों को एकीकृत इकाई का उत्पादन में प्रयोग करने के कुल उत्पादन में वृद्धि होती है, उसे सीमांत उत्पादन कहा जाता है। इसका सूत्र है बेटा AP बराबर TP/L। तो AP क्या है? MP क्या है बेटा? सीमांत उत्पादन। और TP क्या है? उत्पादन में परिवर्तन। और L क्या है? श्रम की इकाई में परिवर्तन। तो जो सीमांत उत्पादन है उसमें परिवर्तन मतलब परिवर्तनशील साधनों को एकत्रित करने पर जो प्राप्त होता है। श्रम की इकाइयां तथा आवश्यकता लंब रेखाएं उत्पादन में दिखाया गया है। कुल उत्पादन वक्र प्रारंभ से तेजी से धीरे धीरे बढ़ते हुए अधिकतम स्तर तक गिरता हुआ आरंभ कर देता है। श्रम की इकाई में वृद्धि करने पर आरंभ में औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन दोनों कैसे होते हैं? बढ़ते हैं। फिर दोनों अपने अपने अधिकतम बिंदु पर पहुंचकर दोनों घटना प्रारंभ हो जाते हैं। अतः औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन वक्र की आकृति अंग्रेजी के U के उल्टे आकार की होती है। सीमांत उत्पादन घटते हुए शून्य हो जाता है, इसके बाद ऋणात्मक भी हो जाता है, किंतु औसत उत्पादन का घटता हुआ ज्ञानात्मक नहीं है। से उत्पादन वक्र एक्स अक्ष के ऊपर ही रहता है। फिर है कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन में पारस्परिक संबंध। तो उत्पादन के परिवर्तनशील साधनों की इकाई जैसे जैसे वृद्धि होती है, कुल उत्पादन कैसे होता है? बढ़ता जाता है। मतलब साधनों और इकाइयों में जैसे जैसे वृद्धि होगी तो उत्पादन भी क्या होगा? बढ़ेगा। और उत्पादन उस समय अधिकतम हो जाता है जब व्यक्ति की सीमांत उत्पादकता कैसे हो जाती है? शून्य। कुल उत्पादन एवं औसत उत्पादन कभी भी शून्य नहीं हो सकता, उसमें ऋण आत्मक होने का प्रश्न ही नहीं उठता। सीमांत उत्पादन की शून्य होने की पश्चात यदि कोई उत्पादन के साधनों को बढ़ाया जाता है तो उसे कुल उत्पादन में वृद्धि नहीं होगी बल्कि कमी आनी शुरू हो जाएगी। ऐसी दशा में सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाएगा। फिर है उत्पादन की आरंभिक अवस्था। मतलब जैसे अपन उत्पादन शुरू करते हैं तो उत्पादन में क्या होगी? वृद्धि होगी, बढ़ती हुई दर में होती है। मतलब अपन कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो उसकी उत्पादन दर कैसी होगी? बढ़ती हुई दर में होगी।
कि उत्पादन की मात्रा की अवस्था में कुल उत्पादन में जो वृद्धि होती है घटती हुई दर में होती है। तब उसकी उपयोगिता कम होगी तो उसकी दर भी वृद्धि दर भी क्या होती जाएगी बेटा, कम होती जाएगी। और उसके बाद सीमांत उत्पादन के शून्य होने पर उत्पादन में होने वाली वृद्धि कैसी हो जाएगी, रुक जाएगी और वह घटना शुरू हो जाती है। मतलब जब हम कोई वस्तु का उपयोग करते हैं जब उससे अपन को उसकी पूर्ति हो जाती है तो उसकी उपयोगिता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो उसकी आवश्यकता कैसी हो जाती है, शून्य। फिर है प्रतिफल के नियम अथवा उत्पत्ति का नियम। किसी वस्तु का उत्पादन उत्पत्ति के विभिन्न साधनों की सामूहिक का परिणाम होता है। किसी भी वस्तु का उत्पादन उत्पादित उत्पत्ति के विभिन्न साधनों की सामूहिक प्रयत्न का परिणाम होता है। इसमें कुछ साधन स्थिर हैं और कुछ परिवर्तनशील होते हैं। किसी भी वस्तु की अधिकतम मात्रा का उत्पादन करने के लिए उत्पादन के औसत में वृद्धि करनी पड़ती है। मतलब जब अपन किसी कार्य को शुरू करते हैं उस उत्पादन करने के लिए उसके औसत में अपन को क्या करना पड़ेगी, पहले वृद्धि करना पड़ेगी। इस वृद्धि करने पर उत्पाद की मात्रा में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। परंतु उत्पादन के साधनों को निश्चित वृद्धि करने पर उत्पादन की मात्रा में होने वाली वृद्धि हमेशा सामान्य रहती है। इस दशा में उत्पादन के साधनों में कम वृद्धि करके भी उत्पादन की मात्रा में अधिक वृद्धि प्राप्त हो सकती है, जबकि कुछ दशाएं उत्पादन की मात्रा में थोड़ी सी वृद्धि के लिए उत्पादन के साधनों में काफ़ी वृद्धि करनी पड़ती है। मतलब कोई भी अपन उत्पादन करते हैं तो उनके साधनों में अपन को ज़्यादा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसमें वृद्धि करनी पड़ती है, क्योंकि अपन को उत्पादन क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। उत्पादन के इस व्यवहार को उत्पत्ति के नियम द्वारा स्पष्ट किया गया है। प्रोफेसर मार्शल ने उत्पत्ति की तीन नियम बताए हैं। तो पहला है उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम और तीसरा है उत्पत्ति ह्रास नियम। इन तीनों को सम्मिलित रूप से परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहा जाता है। ये जो तीन नियम है बेटा, उत्पत्ति ह्रास नियम, उत्पत्ति समता नियम और उत्पत्ति वृद्धि नियम, ये तीनों नियम परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहा जाता है। साधन के प्रतिफल इनकी भी दो प्रकार होते हैं, पहला प्रतिफल के नियम या उत्पत्ति के नियम और दूसरा होता है परिवर्तनशील अनुपात का नियम। और प्रतिफल के नियम के दो प्रकार होते हैं, उत्पत्ति वृद्धि नियम और उत्पत्ति समता नियम, और तीसरा होता है उत्पत्ति ह्रास नियम। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, तो जो परिवर्तन होते हैं वह अनुपातों के आधार पर। अर्थशास्त्र में परिवर्तनशील अनुपातों का नियम एक महत्वपूर्ण नियम है। परिवर्तनशील अनुपात के नियम का संबंध अल्पकाल में होता है, अल्पकाल मतलब कम समय के लिए होता है। यह नियम अल्पकाल में उत्पादन के साधनों में किए गए परिवर्तन के वस्तु के उत्पादन प्रभाव पर पड़ता है। इसकी व्याख्या करता है कि परिवर्तनशील अनुपात का नियम यह बताता है कि अल्पकाल में यह नियम अन्य बातें समान रहे, जैसे परिवर्तनशील साधनों की मात्रा बढ़ाई जाती है तो उत्पादन प्रारंभ करने में परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में किए गए अनुपातिक वृद्धि की तुलना में अधिक अनुपात बढ़ाता है। इसके बाद यह समान अनुपात को भी क्या करता है, बढ़ाता है। अंत में उत्पादन साधनों की इकाई अनुपातिक तुलना में कैसी हो जाती है, कम अनुपात को बढ़ाता है। एक परिवर्तनशील साधन में संबंधित प्रतिफल का नियम यह बताता है कि अल्पकाल में मतलब जो थोड़े समय के लिए दिया गया है वह तकनीकी ज्ञान अन्य भारतीय सामान्य व स्थिर साधनों के साथ एक परिवर्तनशील साधन की भी इकाई भी बढ़ाई जाती है, जो कुल उत्पादन से क्या होती है, प्रारंभ होती है, बढ़ते हुए दर में बढ़ता है और एक बिंदु के बाद कैसी हो जाती है, घटते हुए दर में क्या होता है, कम होता जाता है। एक बिंदु के बाद घटते हुए दर में बढ़ने की प्रवृत्ति को दिखाता है, क्योंकि परिवर्तनशील साधन का सीमित उत्पादन प्रारंभ से ही कैसा होता है, कम,
किंतु अंत में कम हो जाता है। परिवर्तनशील नियम की परिभाषा भिन्न है। उत्पादन के साधनों की मात्रा में स्थिर रहकर किसी साधन की समान अनुपात में जैसे जैसे मात्रा बनाई जाती है तो एक निश्चित बिंदु के बाद उत्पादन की भी मात्रा में वृद्धि का अनुपात कैसा होता है, घटता जाता है। तो ये परिवर्तनशील नियम की परिभाषा है। फिर बैन हमने शब्दों में अपने शब्दों में परिभाषा दी है। उत्पादन के साधनों के सहयोग से जैसे जैसे एक साधन में अनुपातिक वृद्धि मतलब जो अनुपात में वृद्धि की जाती है वैसे वैसे एक बिंदु के बाद उत्पादन का पहले सीमांत उत्पादन बाद में औसत उत्पादन भी घटता जाता है। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि अन्य बातें साधनों स्थिर रखते हुए भी किसी एक साधन की मात्रा में वृद्धि करने पर प्राप्त होने वाली उत्पादन के अनुपात में परिवर्तन आता है और अंत में उत्पादन के अतिरिक्त व्यक्ति अनुपात में से कम हो जाती अनुपात जो व्यक्ति की उत्पादन अतिरिक्त हो रहा है वह कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस प्रकार नियम परिवर्तनशील साधनों तथा उत्पादन की भौतिक मात्रा के बीच क्या करता है, संबंध बताता है। फिर इसकी मान्यताएं हैं। परिवर्तनशील अनुपात का नियम निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है। तो पहला है कुछ साधन स्थिर तथा एक साधन परिवर्तनशील होते हैं। दूसरा है उत्पादन के साधकों के अनुपात में परिवर्तन करना संभव है। साधन को एक निश्चित अनुपात में मिलने वाली वस्तु का उत्पादन करना संभव है, यह नियम लागू हो सकता है। तीसरा है संगठन व उत्पादन विधि में कोई अंतर नहीं होता, मतलब ये जो कार्य उत्पादन किया जा रहा है संगठन और उत्पादन विधि में कोई अंतर नहीं होता। चौथा है परिवर्तनशील इकाइयों में सभी इकाइयां एक जैसी होती हैं।